हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम ऐसी एक स्मार्ट स्पीकर के बारे में बात करने वाला हूँ जो बन सकती है एक परफेक्ट गिफ्ट आपकी अपनों के लिए या फिर कह सकते हैं आपके घर के बड़ों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो और क्या है इसके अंदर खास बात जो इनको परफेक्ट बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुमन सॉल्यूशन में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मेरे पास में सारे गांव कारबा का बॉक्स जो कि डिलीवर हुआ है अमेजोन की तरफ से। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों रैपर हटाने के बाद बॉक्स में पहले ही हमको इसका एक फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है और हमको ये मिल जाता है बंगाली वर्जन में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे गांव का ब्रांडिंग और नीचे हमको देखने को मिलता है इसी के मेन फीचर्स जो कि है 5000 एवरग्रीन सॉन्ग्स और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि है इसी के बारे में। और दोस्तों ये सारे गांव कारबा मार्केट में बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है। दोस्तों पीछे एक बार वापस से हमको सारेगामा कारवा लिखा हुआ मिल जाता है, साथ ही साथ इसका ब्रांडिंग है और यहाँ पर 30 डेडिकेटेड स्टेशन का जिक्र किया हुआ है और साथ ही साथ ये सब फेमस आर्टिस्ट का गाना यहाँ पर प्रीलोडेड है 1 साल की वारंटी के साथ में। दोस्तों बॉक्स की राइट साइड में हमको 4 बटन देखने को मिल जाता है जो कि हमको मेन बॉक्स में भी देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड में हमको इसका प्राइस देखने को मिलता है जो कि 6,390 रुपये है। दोस्तों बॉक्स के टॉप पर हमको प्लास्टिक का स्ट्रैप मिलता है जिसके मदद से आप इसे आराम से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या मिलता है हमको। दोस्तों थर्मोकोल को हटाते ही पहले ही हमको मिल जाता है यूजर मैनुअल जिसके अंदर हमको इसी का वारंटी कार्ड भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर नए हैं तो आप एक बार इसे देख लें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए सही से। उसके बाद हमको देखने को मिलता है एक वाइट कलर का USB केबल जो कि नॉर्मल है और ये काफ़ी लंबा है, करीब करीब 1 मीटर है। और इसी के साथ हमको एक चार्जर हेड मिलता है जो कि 5 वोल्ट आउटपुट वाला है। इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम है ये, एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना चाहिए थे इसमें। दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें एक रिमोट भी देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम से लग रहा है और यहाँ पर भी जो फंक्शंस है वो हमको बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा सिवाय ये पॉज ऑप्शन को छोड़कर। और नीचे यहाँ पर सारेगामा कारवा भी लिखा हुआ है और पीछे भी सारेगामा का ब्रांडिंग है। तो इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि ये लिथियम बैटरी, देखने में 1 रुपये के कॉइन की तरह लग रहा है। चलिए इसको रिमोट पर लगा लेते हैं पहले। दोस्तों अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो भी 1 साल तक आपको बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लग गया बैटरी, चलिए अब ये इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन यूनिट के बारे में जहाँ पे पहले ही हमको 3 बटन देखने को मिल जाता है, आर्टिस्टिक, मूड और टैगोर। दोस्तों कुछ मॉडल्स पे बिल्कुल राइट पे आपको वाईफाई के लिए एक अलग से डेडिकेटेड बटन मिल जाता है जिसका कीमत थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी के साथ हमको डाइस भी देखने को मिलता है जो वॉल्यूम के लिए नहीं है, स्टेशन चेंज करने के लिए है। और नीचे हमको ट्रैक चेंज करने के लिए 2 बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में हमको 4 बटन देखने को मिलता है जिसे हम बॉक्स में पहले ही देख चुके हैं। ये है USB के लिए, ये FM के लिए और ये है ब्लूटूथ के लिए और ये मेन सारेगामा के लिए। राइट साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन मिलेगा एक और इसी के साथ यहाँ पर है हेडफोन जैक। और ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको सारेगामा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एक चार्जिंग LED इंडिकेटर और साथ ही साथ इसके बगल में पावर बटन। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा इसी का जो मॉडल नेम है वो AC03 बारकोड के साथ। और पीछे की तरफ भी हमको एक वुडन फिनिश मिल जाता है और जहाँ पर नीचे हमको देखने को मिलता है एक रिसेट बटन, उसी के बगल में हमको मिलता है चार्जिंग पोर्ट, उसके पास मिलता है USB पोर्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं सारेगामा का ब्रांडिंग भी है। दोस्तों ये काफ़ी लाइट वेट है, टोटल वेट इसका है करीब करीब 600 ग्राम और ये काफ़ी हैंडी भी है। और दोस्तों यहाँ पर 2 एम्पलीफाइंग पॉइंट देखने को मिलता है जिसका टोटल आउटपुट है 10 वाट। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। देखिए सारेगामा कारवाई पर लिखा हुआ है, लोडिंग हो रहा है। मैं इसका साउंड को कम कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट केस हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर LED स्क्रीन के सामने ही हमको देखने को मिल जाता है बैटरी का ऑप्शन। दोस्तों अभी RD बर्मन का गाना चल रहा है
और ये दो बटन से आप ट्रैक को आगे पीछे कर सकते हैं। इससे आप किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के सभी गाने आगे पीछे करके सुन सकते हैं। उसके बाद इस डायस से आप आर्टिस्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पहले कुछ और था, अब आगे नचिकेता घोष, उसके बाद और घुमाएंगे तो और आएगा। देखिए जितना सारे आर्टिस्ट है, सभी के सभी आर्टिस्ट के गाने आप सफल करके सुन सकते हैं इसी डायस को घुमाकर। उसके बाद देखिए मूड्स ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूड वाइज गाना बजने लगेगा। जैसे पहले आगे डिवोशनल, फिर डायस घुमाएंगे तो उसके बाद आ जाएगा फॉल्क, उसके बाद रोमांस, उसके बाद सेंटिमेंटल। इसी तरह से आप मूड वाइज गाना सुन सकते हैं। उसके बाद टैगोर, ये जो ऑप्शन है इसके वजह से आप रविंद्र संगीत सुन सकते हैं जो कि बंगाली का काफ़ी फेमस है। दोस्तों लेफ्ट साइड में ये जो बटन है इससे आप 5000 गाना सफल करके सुन सकते हैं, जो कि इसी के अंदर एक 16 GB के इनबिल्ट मेमोरी कार्ड में भरा हुआ है और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों रिमोट और इसका फंक्शन करीब करीब सेम ही है, देख सकते हैं यहाँ का जो ट्रैक चेंज करने वाला बटन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको राइट साइड में व्हील देखने को मिलता है और यहाँ पर दो बटन्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेन 3 बटन्स है उसको यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, और इस साइड लेफ्ट साइड का 4 बटन्स है वो आपको नीचे मिल जाएगा। सिर्फ ये पॉज बटन आपको रिमोट में मिलेगा, रेडियो में नहीं मिलेगा, और इसके साथ जो डायल है वो भी आपको रिमोट में नहीं मिलेगा, और ऊपर जो पावर की है ये भी रिमोट में नहीं मिलेगा, यानी बंद करने के लिए आपको स्पीकर से ही बंद करना पड़ेगा। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है इसका सेंसर, आप किसी भी डायरेक्शन से बटन को प्रेस करके स्पीकर को ऑपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये आपको इसके जो एंगल है वो स्पीकर की ओर ही होना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों आप बात करते हैं इसका चार्जिंग के बारे में, तो सर इसमें आपको नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट नहीं है इसमें। चलिए इसका चार्जर को सेटअप कर लेते हैं। इसको आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं आराम से। अब देखिए पीछे यहाँ पर नीचे जो चार्जिंग पोर्ट है ये रहा, यहाँ पर इसको प्लग इन करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर जो रेड कलर की LED इंडिकेशन है वो जल रहा है, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, और चार्ज कंप्लीट फुल चार्ज होने में ये करीब करीब 3 से 3.5 घंटा वक्त लगता है, और फुल चार्ज होने पर ये आपको 5 घंटे का बैकअप प्रोवाइड करता है, ऐसा कंपनी का मानना है, और ये काफ़ी ठीक ठाक ही है, उतना बुरा भी नहीं है। अब इस पेन ड्राइव को कार्वा के साथ कनेक्ट करूँगा। पीछे यहाँ पर जो USB पोर्ट है उसमें इसको प्लग इन करने से ये कनेक्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो USB का बटन है उसको भी ऑन करना पड़ेगा गाना बजाने के लिए। दोस्तों अब हम ब्लूटूथ को यूज़ करके देखेंगे, उसके लिए यहाँ पर नीचे जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है उसको क्लिक करना होगा, और साथ ही साथ आपका फ़ोन में भी ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। उसके बाद कोई इस तरह का आवाज़ आएगा, देखिए, और यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब फ़ोन से कोई सा भी एक गाना को प्ले करके देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। चलिए इसका हेडफोन पोर्ट को भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसा बजता है, और यहाँ पर इसको प्लग इन करता हूँ हेडफोन को। वैसे स्पीकर में हेडफोन जैक का उतना ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसा इसका क्वालिटी है। देखिए पहले साउंड को मैक्स कर देता हूँ,
हाँ दोस्तों, आप ऑग्स केबल को भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसका एक एंड को यहाँ पर प्लग इन करता हूँ और दूसरा जो एंड है उसको अपने ब्लूटूथ स्पीकर जो है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद साउंड का क्वालिटी आप देख लीजिए एक बार। डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ और ये साउंड कारवा से आ रहा है। इस तरह से आप एक्सटर्नल स्पीकर को सारेगामा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल की मदद से। दोस्तों, मैंने जिस मॉडल के बारे में बताया उसके अलावा भी यहाँ पर सारेगामा कारवा मिनी लेजेंड्स नाम के एक और मॉडल है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा एक सारेगामा कारवा गो जो कि एक मोबाइल की तरह कंफर्टेबल डिवाइस है। उसके बाद डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए आपको अलग से सारेगामा मिलेगा जहाँ पर सामने आपको ओम लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर रविंद्र संगीत के लिए यहाँ पर अलग से एक सारेगामा आपको मार्केट में मिल जाएगा जहाँ पर सामने ही आपको रविंद्रनाथ जी का एक तस्वीर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये था सारेगामा कारवा के बारे में सब कुछ। आपको डिवाइस कैसा लगा बताइएगा जरूर मुझे नीचे कमेंट करते हुए, और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आज इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।